अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी मीठी ट्रीट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। मैं आज बनाने लगी हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा लैम का कोरमा। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 2 मीडियम प्याज, थोड़ी सी दही हमें चाहिए होगी 2 से 3 टेबल स्पून। ये मसाला भूनते वक्त हम यूज़ करेंगे सम स्पाइसिस जार्स। ये 1 किलो लैम है, 5 टमाटोज, 3 to 4 ग्रीन चिलीज, 2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। सबसे पहले हम एक पॉट में तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ये सारा प्याज, इसको बिल्कुल हल्का सा हमने सॉटे करना है। जिंजर और गार्लिक पेस्ट नाउ। के साथ ही हमने ये लैम डाल देना है। अच्छा, टमाटर मैंने इस शेप में काटे हैं कि इसके साथ छिलका इजी उतर जाता है। आपने अगर छिलका नहीं उतारना तो इसको बारीक बारीक भी काट सकती हैं। और साथ में ये 4 ग्रीन चिलीज। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट तकरीबन 1.5 टीस्पून, तकरीबन 2 to 3 टीस्पून ज़ीरा एंड कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, लाल मिर्च पाउडर 2 टीस्पून्स, करी पाउडर 2 टीस्पून्स, पेपरिका 1 टीस्पूनफुल। हाँ जी, गोश्त तकरीबन गल गया है सारा। इसको हम अब एक प्लेट में निकालेंगे और फिर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे। सारा मीट इसमें से आउट हो गया है। अब इसको हमने इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। इसमें मैं डालूंगी शान का कड़ाही गोश्त मसाला, 1.5 टेबल स्पून। देखिए ब्लेंड हो गया है। इसको थोड़ा सा बॉईल करने देते हैं कि ये एक्सेस वाटर इसका ख़त्म हो जाए और फिर गोश्त डालकर इसको हल्की आग पे दम दे देंगे। इसका मसाला रेडी हो गया, अब इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे। और जिस हिसाब से भी आपने ग्रेवी इसका या शोरबा रखना है उतना पानी डालकर तो इसको बिल्कुल 10-15 मिनट्स के लिए दम पे रखते हैं। ये है जी मज़ेदार सा लैम कोरमा, गार्निश विद द फ्रेश कोरिएंडर। इसको दही के साथ, नान के साथ या ये मोती पुलाव के साथ इसको सर्व करें। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।